अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द एमसीक्यूज़ ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं जो है वो बुक के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टोटल जो है वो हमारे पास जितने चैप्टर्स हैं 13 चैप्टर्स, उन तमाम के एमसीक्यूज़ जो है वो मैं कवर अप करूँ एक सिंगल में, वन शॉट लेक्चर में, ताकि वो एक ही लेक्चर को देखकर जो है वो आंसर्स समझ सकें, इनके एक्सप्लेनेशन देख सकें तमाम एमसीक्यूज़ की। तो ये वीडियो इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि आपके 17 एमसीक्यूज़ बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे तो 17 आउट ऑफ 17 अटैम्प्ट करने के लिए इस लेक्चर को देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप मेरे जो है वो पास्ट टारगेट पेपर चाहिए अगर आपको, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप PDF इसकी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि पेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ चैप्टर नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो उसमें हमारे पास बुक की ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, इन्हीं को जस्ट मैं सॉल्व करा रहा हूँ वन शॉट में। अलग अलग मैंने ये ऑलरेडी मैंने बनाए हुए इनके लेक्चर्स चैप्टर के लिहाज से, इसमें मैं वन गो पे बना रहा हूँ ताकि कोई एक वीडियो में आपको सारे एमसीक्यूज़ मिल जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज ऑन द ग्रुप इन डैश। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली किस ग्रुप में जो है वो डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। तो ये ग्रुप 1A जो हमारे पास है इसके अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। तो रीज़न क्या होता है, चूँकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो है वो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, एटम्स का साइज़ बढ़ता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज़ हो जाती है। और जब डेंसिटी डिक्रीज़ होती है तो उससे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो रही होती है। सेकेंड है द एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर इज डैश। कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। जब इसको एयर के साथ बर्न करते हैं तो K+O2, तो ये हमारा KO2 की फॉर्मेशन करता है जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। थर्ड क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड्स फॉर अल्किलीन अर्थ मेटल। अल्किलीन अर्थ मेटल हम लोग कहते हैं बेटा ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को, ये कहलाते हैं अल्किलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो उनके नाइट्राइड्स का फार्मूला क्या होगा। अब अल्किलीन अर्थ मेटल को अगर हम N से सपोज कर लें और नाइट्राइड इसका N है, तो अल्किलीन अर्थ मेटल की वैलेंसी +2 होती है। नाइट्राइड जो कि ग्रुप 5 का है तो उसकी वैलेंसी -3 होती है। जब वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा M3N2। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा M3N2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है फोर्थ है द अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में येलो कलर कौन देता है, सोडियम देता है। इसके लिए आप बुक में देख सकते हैं डिफरेंट फ्लेम टेस्ट के कलर्स मौजूद है जिसको आप याद कर सकते हैं। नंबर 5 है द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन फायर वर्क। तो फायर वर्क में ज़्यादातर कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं फायर वर्क में। इसका फार्मूला हमारे पास होता है KNO3। नेक्स्ट है कैथोड इन कास्टनर कैलनट सेल इज डैश। कास्टनर कैलनट सेल में कैथोड क्या होता है, तो मूविंग मरकरी कैथोड होता है जो कि मूव कर रहा होता है एक सर्कुलर पाइप में। क्वेश्चन 7 है द डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम इज। बेरिलियम का डायगोनल मेंबर कौन होगा। अब देखो बेरिलियम है, ये रहा बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम है, बेरिलियम के बराबर में बोरॉन है, उसके नीचे एल्यूमिनियम है। अब अगर हम डायगोनल मेंबर चेक करें तो डायगोनल क्या चीज़ होगी भाई, ये डायगोनल हमारा चल रहा है ना बेटा। तो बोरॉन का एल्यूमिनियम जो है वो डायगोनल मेंबर है, सॉरी बोरॉन ही बेरिलियम का। नंबर 8 एमसीक्यूज है द कैटलिस्ट कॉमनली यूज इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज V2O5 इनेडियम पेंटाऑक्साइड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन 9 है ऑयल ऑफ विट्रियोल रिफर्स टू डैश। ऑयल ऑफ विट्रियोल हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है 10 द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास तमाम हैलोजेंस में फ्लोरीन होता है, चूँकि सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये हमारे चैप्टर 1 के बेटा एमसीक्यूज हो गए। अब हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो बेटा ये हमारा चैप्टर 2 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके एमसीक्यूज देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है जिंक +2 आयन इज कलरलेस बिकॉज ऑफ डैश। जिंक +2 आयन कलरलेस क्यों होता है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास यस, इट्स 3d ऑर्बिटल्स हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। रीज़न क्या है कि जिंक प्लस टू आइन जो है ना, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो जिंक प्लस टू आइन की कन्फिग्रेशन आ जाएगी 4s0 3d10। अब डी में आप देख सकते हैं 3d में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फुल फील्ड हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होंगे ना तो नो डी ट्रांजिशन, तो जो डी ट्रांजिशन है ना वो पॉसिबल नहीं होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। और ये चीज़ सिर्फ जिंक के साथ नहीं है, जिंक के साथ जिंक चूँकि हमारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, जिंक हमारे पास ग्रुप 2b का एलिमेंट है, तो 2b के जो बाकी एलिमेंट है दैट इज कैडमियम है, मरकरी, उनके साथ भी सेम यही फिनोमेना देखने में आएगा। और यही वो रीज़न है कि जिंक को, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, बेटा जो मेरे लेक्चर्स देखते हैं उनको पता है, ये हमारा सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यूज है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड इज डैश। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी कोबाल्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है? दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर कोबाल्ट है उसको जो लिगेंड है वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रहे हैं। देखो लिगेंड यहाँ पर सिर्फ यही एक है C2O4, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेलेटो। अब एक ऑक्जेलेटो हमारे पास 2 लोन पेयर देता है और इसमें टोटल 3 ऑक्जेलेटो जो है वो मौजूद है लिगेंड के तौर पे, तो 3 2 हमारे पास कितना हो गया 6, मतलब कोबाल्ट को टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 6 हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। थर्ड है एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइडेंटेट लिगेंड अमंग द फॉलोइंग इज डैश, मतलब इनमें से बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है? तो बाइडेंटेट लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, तो जो अभी जैसे कि ऊपर मैंने बताया C2O4 माइनस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटो, इसी को ऑक्सीलेटो कहा जाता है, ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फोर्थ है द हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग इज डैश। हाईली पैरामैग्नेटिक आयन कौन होगा? देखो बेटा हाईली पैरामैग्नेटिक आयन वो होते हैं जिनके पास मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास बड़ी तादाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको हम हाईली पैरामैग्नेटिक आइंस कहते हैं। अब वो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, अब ये निकालने पड़ेंगे, आपको याद भी कर सकते हैं। अब देखो वैसे आयरन, नॉर्मल आयरन का क्या होता है, नॉर्मल आयरन की बात करें, Fe की बात करें तो Fe होता है 4s2 3d6, लेकिन जब Fe+2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d6, मतलब इसके पास हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, चूँकि 3d6 आ गया ना, तो 6 का मतलब क्या है 1 2 3 4 5, फिर ये 6, तो ये 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं। जबकि Fe+3 की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4s0 3d5, चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आयरन से, तो इसके पास अब d5 है, तो उसके मतलब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और मैक्सिमम 5 ही होते हैं, बाकी आप इनके निकालें कोबाल्ट और क्रोमियम को तो उससे कम ही निकलेंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास Fe+3, इसको आप याद भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास हाईली पैरामैग्नेटिक आयन है, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 5 है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाती है? क्रोमियम जिसका सिंबल Cr होता है। अब जो क्रोमियम जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास होता है 4s1 और 3d5 होता है। ये क्रोमियम की जब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अब इसकी वैलेंसी +1 +2 +3 +4 +5 +6 ये सारी हो सकती है, तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन रीच करता है ये +6 करता है, सी ऑप्शन। नंबर 6 एमसीक्यूज है द एलिमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो जिंक, टिन, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक की प्लेटिंग भी होती है, टिन की प्लेटिंग भी होती है, क्रोमियम भी होती है, मैंगनीज को हम लोग एज अ प्लेटिंग इस्तेमाल नहीं करते, तो डी ऑप्शन। नंबर 7 है द स्टील इज टिपिकली यूज इन मेकिंग फ्राई पैन्स। फ्राई पैन्स को बनाने के लिए, फ्राइंग पैन्स को बनाने के लिए कौन सी स्टील इस्तेमाल की जाती है? कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, अलॉय स्टील, तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा अलॉय स्टील, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्राइंग पैन को बनाने के लिए। 8th एमसीक्यू इज द स्टेप व्हिच इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चैल्कोपाइराइट इन द एलिमिनेशन ऑफ गैंग पार्टिकल डैश, मतलब वो स्टेप जिसमें हम लोग गैंग इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर में, ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहलाता है ये। 9th है 5d सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट इज। अब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारे पास देखो 3d सीरीज होती है, 4d होती है, 5d होती है। 3d हमारे पास शुरू होती है स्कैंडियम से, 4d शुरू होती है ईट्रियम से, और 5d शुरू होती है लैंथेनम से। तो और स्कैंडियम से ये जाती है जिंक तक, ये ईट्रियम से जाती है कैडमियम तक, और ये लैंथेनम से जाती है मरकरी तक। तो 5D सीरीज पूछा जा रहा है बेटा, तो ये लैंथेनम से मरकरी तक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10th और लास्ट एमसीक्यूज, ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन एयर गिव्स द फॉलोइंग ऑक्साइड। जब हम एयर में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन करते हैं तो Mn+O2, तो ये Mn3O4 मिलता है हमारे पास, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सही है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज होंगे बेटा चैप्टर 2 के। अब चैप्टर 3 की तरफ आते हैं और उसके एमसीक्यूज करते हैं। तो बेटा ये चैप्टर 3 हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके एमसीक्यूज के जो है मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स अ नाइट्रोजन एटम इज डैश। वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक नाइट्रोजन एटम होता है। देखो OH अल्कोहल में OH होता है, ए नहीं हो सकता। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड OR होता है, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है। एस्टर का ग्रुप हमारे पास होता है C OR, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है। अमाइड जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C BOND OH2। दैट्स वाई अमाइड हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन। सेकेंड है द कंपाउंड बिलोंग टू अल्कीन फैमिली। अल्कीन फैमिली, अल्कीन से मुराद CnH2n+2। अब जो CnH2n, तो ये अल्कीन हमारे पास होता है, मतलब जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन हो। तो अगर जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको मिल जाए तो वो अल्कीन है। और ये आपको मिलेगा C2H4 में। तो ये हमारे पास एक अल्कीन है जिसको हम लोग कहते हैं इथीन, ठीक है। थर्ड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स कोक, कोल टार, कोल गैस एंड डैश। इसका ऑप्शन हो जाएगा D अमोनिया लिकोर। तो अमोनिया लिकर जो है वो मिलता है आपको जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। बाकी इन तीन चीज़ों के साथ चौथी चीज़ ये भी मिलती है। फोर्थ एमसीक्यूज है द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कम्बस्टन इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। तो रिफॉर्मिंग के थ्रू हम लोग जो है वो फ्यूल नॉकिंग कम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रांच चेन और स्ट्रेट चैनल केन को ब्रांच चैनल केन में कन्वर्ट करते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज है जनरल फार्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है, जिसको हम CnH2n+1OH भी लिख सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू 6 है द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग इन C60 बकी बॉल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो ये 12 हमारे पास, इसमें जो 5 मेंबर्ड रिंग की तादाद होती है वो 12 होती है, और 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर हमारे पास 20 होती है बकी बॉल के अंदर, जो कि एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है किसका, कार्बन का। नंबर 7 है द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। वो पेयर ऑफ कंपाउंड बताए जिसमें आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो रही है। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास सेम फार्मूला अगर दो कंपाउंड के आ जाएं, सेम फार्मूला अगर निकल कर आ जाए तो वो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। अब इन चारों में आप देखेंगे ना तो सेम फार्मूला हमारे पास सिर्फ इसका निकल कर आएगा। अब जैसे देखेंगे कितना, 4 कार्बन है, C4 है, और हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। अब देखो ये कंपाउंड भी C4H10 है, ये कंपाउंड भी C4H10 है। दैट्स वाई ये दोनों आइसोमर्स होंगे, चूँकि दोनों का फार्मूला सेम निकल रहा है। तो ये सिंपल तरीका है जानने का कि कौन से दो पेयर्स एक दूसरे के आइसोमर हैं। अगर इन दोनों के फार्मूले सेम है तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। 8th एमसीक्यूज है द टाइप ऑफ कोल दैट इज हार्ड एंड हाई रैंक। तो वो एंथ्रेसाइट होता है, सबसे हार्ड होता है, और सबसे लास्ट स्टेज ऑफ कोल भी यही होती है हमारे पास, एंथ्रेसाइट। 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा 95% तक हमारे पास मीथेन होती है। लास्ट एमसीक्यूज है यूरिया वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय वोहलर फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक मटेरियल नेम्ड एज अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट मतलब NH4CnO, इसकी मदद से क्या किया था बेटा, जो वोहलर था, जो जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिच वोहलर, उसने यूरिया जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो सिंथेसाइज किया था। तो ये चैप्टर 3 के एमसीक्यूज हो गए। अब हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बेटा हमारे पास चैप्टर 4 है जो नोमेनक्लेचर के ऊपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इसके 10 एमसीक्यूज हैं, वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस असाइल फंक्शनल ग्रुप। इनमें से किसमें असाइल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। अच्छा, असाइल फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। असाइल ग्रुप, तो असाइल ग्रुप क्या कहलाता है, तो C BOND OR, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं असाइल। ये असाइल ग्रुप हमारे पास कहलाता है। तो अब असाइल ग्रुप तो इन चारों में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में ही हमारे पास जो है वो असाइल ग्रुप आ रहे हैं। RC BOND O ग्रुप जो हमारे पास होता है। तो ये MCQs 1 बुक का जो है वो रॉन्ग है, इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए था E ऑल ऑफ दीज। ये मैंने इससे पहले भी लेक्चर में आपको बताया है कि इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए E। सेकंड है हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H12। अब देखो C7H12 है तो ये CnH2n माइनस 2 के फॉर्म में है, तो मतलब ये हमारे पास अल्काइन है और 7 कार्बन वाले अल्काइन को हम लोग हेप्टाइन कहते हैं। थर्ड MCQs है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पजेस द स्ट्रक्चरल फार्मूला दिस, इट्स करेक्ट आईयूपीएसी नेम इज डैश। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अब देखो नंबरिंग करेंगे तो जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है वहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास? सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम आता है तो ये हो जाएगा 3 पेंटीन, और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो 1 आइन, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 है आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या चीज़ होती है बेटा? ये सिंपल एल शेप में 3 CH3 ग्रुप अटैच होंगे और OH लगा होगा। अगर हम इसको आईयूपीएसी में नेम देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 टू प्रोपनोल या प्रोपन टू ओल, इसको हम कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 5 है रिसोर्सिनॉल इज अ फिनॉल, इट कंटेन्स 2 OH ग्रुप एट डैश। रिसोर्सिनॉल एक डाईहाइड्रिक फिनॉल होता है जिसमें 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, इस तरह से ये रिसोर्सिनॉल है। तो एक फर्स्ट कार्बन पर लगा होता है और एक थर्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पोजिशन 1 एंड 3। 6th MCQs है फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज C4H8, इट शुड बी डैश। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला C4H8। अब देखो सैचुरेटेड कहा जा रहा है, सैचुरेटेड का मतलब कि नो पाई बॉन्ड नहीं है, तो C4H10 इस तरह से जो ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन नहीं हो सकता। अगर चाहे आप बोलेंगे सर ये जो जनरल फार्मूला आ रहा है ये तो CnH2n का आ रहा है, तो बेटा याद रखो CnH2n जो है वो अल्कीन का जनरल फार्मूला भी होता है, और यही CnH2n हमारा जो है वो साइक्लोअल्कीन का जनरल फार्मूला भी होता है। अल्कीन हमारा जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है और साइक्लोअल्केन हमारा सैचुरेटेड होता है, तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन होगा असल में ये, तो साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस तरह से अटैच होंगे। अब आप देख सकते हैं बेटा ये भी हमारा क्या बन रहा है C4H8, लेकिन ये सैचुरेटेड है, उसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका आंसर ब्यूटीन नहीं लगाने गलती से भी, ठीक है। नेक्स्ट है 7th MCQs इन द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कीटोन्स द एंडिंग ई ऑफ मेन कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय डैश। जब हम कीटोन का नाम लिखते हैं तो ई को हम किससे चेंज कर देते हैं? ओन से। जैसे अगर हम प्रोपेन लिखा हुआ है तो इसका कीटोन क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा, ई को ओन से चेंज कर देंगे, डी ऑप्शन। कीटोन का सफिक्स वैसे भी हम जानते हैं ओन होता है। 8th MCQs इन द कॉमन सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड विद 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन इज नेम्ड एज डैश। कॉमन सिस्टम के लिहाज से एक कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें 6 कार्बन एटम हो स्ट्रेट चेन में, उसको क्या किस तरह से नाम दिया जाता है? वो कैप्रोइक एसिड हमारे पास होता है। नंबर 9th है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 पेंटाडाईन। देखो टोटल 5 कार्बन लो 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। उसके बाद 10th MCQs है द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डैश। तो ये जो कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर हम अगर पहले ड्रॉ कर लें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, देन O, उसके बाद फिर CH है और CH3 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास बन गया दिस इज आइसोप्रोपाइल, और यहाँ से इथानोएट, तो ये आइसोप्रोपाइल इथानोएट हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा वो एक एस्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये 10 MCQs हमारे पास हो गए चैप्टर 4 के। अब हम आते हैं चैप्टर 5 हाइड्रोकार्बन की जानिब, ठीक है बेटा। ये चैप्टर 5 है हाइड्रोकार्बन, इसके 10 MCQs देखते हैं। फर्स्ट MCQs है द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड When हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू एन इथाइन मॉलिक्यूल इज डैश। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इथाइन मॉलिक्यूल में ऐड करेंगे तो क्या चीज़ हमारे पास बनेगी? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? अच्छा, ये हमारा 2 स्टेप में रिएक्शन जाकर ये हमारे पास होगा। चूँकि देखो इथाइन है ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसमें जब एक बार आप HBr ऐड करेंगे तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ BR आ जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार जब इसमें HBr ऐड होगा तो मार्कोनी कोफ रूल अटैच होगा, और जो है ना वो ब्रोमीन उसी कार्बन पर आएगा जिस कार्बन पे पहला ब्रोमीन लगा था, तो ये 1,1 डाई ब्रोमो करके आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 1,1 डाई ब्रोमो इथेन हमारे पास बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6, इट शुड बी डैश। ये पीछे भी हमसे यूज किया है ऐसा साइक्लोब्यूटेन के लिए, तो ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, डी। थर्ड है ओजोनाइड और हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूस डैश। जब ओजोनाइड को जिंक डस्ट के साथ हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कीन, ईथर। तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है हमारे पास जब ओजोनाइट को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किस में होगी? इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर में होगी, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे। इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप OH होगा और डाईमिथाइल ईथर में ईथर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद होगा। क्वेश्चन 5 है द सब्सिट्यूएंट दैट कैन एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टर इज डैश। तो मेटा डायरेक्टर कौन सा है? तो याद रखना है बेटा, मेटा डायरेक्टर कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या फिर जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। तो यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास CWH में मौजूद है, तो ये मेटा डायरेक्टर है। 6 है वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग इज डैश। तो एसिटाइलिन जो है वो वेल्डिंग गैस होती है, वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 7 MCQs है बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स डैश। बेंजीन स्मोकी फ्लेम की वजह से, काले धुएं के साथ किस वजह से जलता है? चूँकि उसमें हाई कार्बन परसेंटेज होती है बेंजीन के अंदर। चूँकि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, तो 1:1 के रेशो पे ये दोनों आइटम साथ में कंबाइन होते हैं। तो बाकी तमाम हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में जो बेंजीन है उसका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है। 8 है सेलेक्ट द सुटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। अब इथीन चूँकि हमारे पास अनसेचुरेटेड है, जबकि इथाइन, अच्छा दोनों ही अनसेचुरेटेड है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इथाइन हमारे पास एसिडिक होता है, जबकि इथीन हमारे पास नॉन एसिडिक होता है। तो एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट के थ्रू हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि जब हम अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो इथीन जो होगा वो वाइट सॉलिड तो नहीं बनाएगा, लेकिन इथाइन जो है वो वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? अल्कीन और अल्काइन के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए। MCQs 9 है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? तो NO2 ग्रुप हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होता है। नंबर 10 है असाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ Al3 गिव्स एसिटोफिनोन, बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये 10 MCQs हमारे पास हो गए चैप्टर 5 हाइड्रोकार्बन्स के। अब चैप्टर 6 में आते हैं अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। ठीक है, चैप्टर 6 है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, इसके MCQs देखते हैं। 10 MCQs इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन जस्टिफाइज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इनमें से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है? तो सेकेंडरी है जिसको हम लोग जो है वो 2 डिग्री भी कहते हैं, ये कौन सा होता है? जिसमें अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल अटैच हो। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास है, बी ऑप्शन जो है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। रीज़न क्या है? चूँकि देख लें कि इसमें कार्बन के साथ 2 रेडिकल्स अटैच हैं, अल्फा कार्बन के साथ। ठीक है, अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है, ये X हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड का। तो ये चूँकि 2 रेडिकल्स अटैच है अल्फा कार्बन के साथ, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट प्रोड्यूस एन अल्कीन वाइल ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो अल्कीन नहीं बनाएगा? तो अल्कीन बनाने के लिए हमें एलिमिनेशन रिएक्शन जब करना होता है, कम से कम 2 कार्बन एटम्स हमें चाहिए होते हैं। तो मिथाइल ब्रोमाइड में 1 कार्बन एटम होता है CH3Br में, इसी वजह से इसकी एलिमिनेशन नहीं की जा सकती, इससे अल्कीन नहीं बन सकता। एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए होंगे। थर्ड MCQs है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड्स डैश। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो क्या बनेगा? तो देखो बेटा, जब भी CO2 से रिएक्शन कराया जाता है ग्रिगनार्ड रीजन का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इथाइल में ऑलरेडी C2H5 2 कार्बन है, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब प्रोपानोइक एसिड। नंबर 4 ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद एस्टर प्रोड्यूसेस डैश। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब एस्टर से रिएक्शन होता है तो कीटोन बनता है, सी ऑप्शन। नंबर 5 है अमाइंस एक्ट एज बेस बिकॉज डैश। अमाइंस बेस के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं? चूँकि दे एक्सेप्ट H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो H+ को एक्सेप्ट करता है या प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो हमारा क्या होता है बेटा? बेस होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी होते हैं और H+ एक्सेप्टर भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइनस। अब प्राइमरी अमाइन क्या चीज़ होती है? देख, नाइट्रोजन है, अब 1 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है, तो ये प्राइमरी अमाइन हमारे पास हो जाएगा। और NH2 और एक तरफ शायद मिथाइल लगा दें, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल पिरामिडल हमारे पास होगा। ठीक है, 1 हाइड्रोजन गलत स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। मतलब अगर नाइट्रोजन अगर मैं यहाँ ले लूँ तो एक तरफ CH3 ले लूँ, अगर नाइट्रोजन में यहाँ ले लूँ तो एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3। तो ये टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 MCQs alkyl amine when reacts with nitrous acid in the presence of hydrochloric acid yields, तो इससे हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है? आर, उसके बाद नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl, ये हमारे पास कहलाता है डायजोनियम सॉल्ट। 8 है SN2 रिएक्शन अकर्स मोस्ट इजिली इफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज डैश। देखिए SN2 में हमारे पास प्राइमरी अल्काइलाइड का होना ज़रूरी है। इसी तरह से मिथाइल आयोडाइड अगर हमारे पास होगा CH3I तो सबसे इजीली हमारे पास SN2 रिएक्शन हो जाएगा। तो ये चूंकि प्राइमरी है, ये 1 डिग्री हमारे पास है, 1 डिग्री तो इथाइल आयोडाइड भी, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन चूंकि इथाइल है तो सबसे ज़्यादा पहले मिथाइल ग्रुप होता है, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एंड में आएगा। ठीक है। 9 है सुटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर आपको प्रोपेन बनाना है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से तो आपको क्या रिएजेंट रिक्वायर होगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अच्छा, प्रोपेन तो इनमें से किसी से नहीं बन सकता, तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हो गया बुक में, चूँकि प्रोपेन अगर हम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लेंगे तो फिर प्रोपेन हम इन तमाम रिएजेंट में से किसी से नहीं बना सकते, चूँकि मिथाइल में 1 कार्बन है और यहाँ से आएगा तो 1 कार्बन आ रहा है, 2 कार्बन होंगे, इधर से भी 2 कार्बन होंगे, इधर से 1 कार्बन रहेगा, इधर से 1 कार्बन रहेगा, तो प्रोपेन सिंथेसाइज किया ही नहीं जा सकता। 10th MCQ इज द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन। SN1 में चूँकि मॉलिकुलरिटी 1 होती है, सिर्फ जो सबस्ट्रेट होता है, जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, उसी की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है SN1 मैकेनिज्म, जो रेट है, जो उसकी स्पीड है, तभी उसको SN1 कहते हैं, चूँकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होता है। तो ये चैप्टर 6 के MCQs हो गए बेटा सारे। अब चैप्टर 7 की तरफ आते हैं, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है, चैप्टर 7 है हमारे पास सेकेंडरी केमिस्ट्री में, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इसके MCQ सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट MCQs है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल द कार्बन एटम विच इज अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। तो कह रहे हैं कि फिनॉल के मॉलिक्यूल में, तो फिनॉल का मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन रिंग है ये हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ जो फिनॉल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। तो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल में फिनॉल के कार्बन एटम जो अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये वाला, ये कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? तो चूंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 होनी चाहिए, बी ऑप्शन। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कौन सा है? पायरोगेलॉल, जिसमें 3 OH ग्रुप्स होंगे हमारे पास। थर्ड MCQ एथेनॉल रिएक्ट्स विद PCl3 टू फॉर्म। इथेनॉल PCl3 से रिएक्शन करेगा तो अल्काइल हैलाइड बनाएगा, तो ये हमारा बनाएगा इथाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन होता है हमारे पास है, जिसमें इथेनॉल होता है C2H5OH, इसकी रिएक्शन हम करते हैं PCl3 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा C2H5Cl प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 4th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किस अल्कोहल के इसमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? तो देखो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, तो इथाइल अल्कोहल तो नहीं हो सकता चूँकि इसमें हमारे पास 1 ही कार्बन, 2 कार्बन है। एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, इन तीनों में हमारे पास 3-3 कार्बन एटम है। अब इस पर क्या होगा कि तीनों में 3-3 कार्बन है, तो हम ये चेक करते हैं कि जितनी जो है ना वो चेन लंबी होगी, जितनी लंबी चेन होगी, जितनी चेन लॉन्ग हमारे पास आएगी ना, उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आएगी, इसलिए सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इसकी एन पेंटाइल अल्कोहल की हमारे पास होगी, चूँकि ये इसमें 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे और OH लगा होगा। नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज मेनली फॉर्म्ड इफ इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हाई टेम्परेचर पर इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारा डाई इथाइल ईथर बनता है। MCQ 6 है लोकस रिएजेंट किस का मिक्सचर है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर है। इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। नंबर 7, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ 1,2-diol अकर इन द प्रेजेंस ऑफ HiO4। पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है 1,2-diol की, ये एक पूरा रिएक्शन है। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा वाटर मॉलिक्यूल से? तो फिनॉल, रिसॉर्सिन। देखो जिसमें फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, रिसॉर्सिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इथाइल अल्कोहल में भी है। इथाइल क्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होगी तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं करेगा। चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का FON में से किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। अब इथाइल क्लोराइड तो C2H5Cl होता है, इसमें FON में से कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, दैट्स वाई यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। 9th है, सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नोन एज डैश। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है? तो पहले हमारे पास जो है वो कीटोन आता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, पहले कीटोन मिलेगा और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा। लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है? एनेस्थेटिक एजेंट मतलब बेहोश करने वाली कोई चीज़, उसको हम लोग कहते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। तो जो हमारा डाई इथाइल ईथर होता है वो एनेस्थेटिक एजेंट होता है, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल पर्पस में। तो ये बेटा चैप्टर 7 हो गया अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर 8 में आएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर ये हमारा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट है, कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विद LiAlH4 दे रिड्यूस टू डैश। कि जब कीटोन्स को ट्रीट किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो वो किस पर रिड्यूस होते हैं? तो कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास बनेगा। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड की जब रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड से हम जो है हमें 1 डिग्री अल्कोहल हासिल होता है, लेकिन कीटोन से हमें 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होता है। सेकेंड है, द रिएजेंट यूज टू ऑक्सीडाइज कीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, मींस K2Cr2O7। थर्ड एमसीक्यू है, द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज sp2 हाइब्रिडाइज होता है। चूँकि आप देख सकते हैं इसमें कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दैट्स वाई कार्बोनिल ग्रुप में। तो ये कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल कार्बन कहलाता है। नंबर 4 है, एसिटोफिनोन इज द मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, इट कंटेन्स डैश। एसिटोफिनोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 और एक तरफ फिनाइल ग्रुप होता है। तो उसमें ये हमारा अल्काइल ग्रुप कहलाता है, अल्काइल ग्रुप। और ये जो फिनाइल ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग एराइल ग्रुप भी कहते हैं, एरोमेटिक ग्रुप है ये। तो 1 अल्काइल एंड 1 एराइल ग्रुप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th एमसीक्यू है, द मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन द फॉलोइंग इज। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाइल्डिहाइड, डाइथाइल कीटोन, एसिटोफिनोन। तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसके पीछे रिएक्टिव होने की वजह क्या है? इसका स्ट्रक्चर आप देख लें तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल यही है हमारे पास। नंबर 6 है, क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन्स में रिड्यूस कर देते हैं। इस तरह वुल्फ किशनर रिडक्शन में भी सेम यही काम किया जाता है। नंबर 7 है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 प्रोड्यूसेस डैश। प्रोपाइन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, तो ये एसीटोन बनता हमारे पास है। अच्छा, इथाइन की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो एसिटाइल्डिहाइड बनता है, रीअरेंजमेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, तो नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड है वाटर के अंदर? तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाइल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन। देखो जितना छोटा मतलब छोटी कार्बन चेन होगी ना, उतनी ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा पानी के अंदर। सबसे स्मॉल कार्बन चेन फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर है, इसलिए इसका नॉन पोलर कैरेक्टर सबसे कम है, ये इसलिए पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट। तो सिल्वर टेस्ट टोलेंस रिएजेंट के साथ कौन देता है बेटा? सिर्फ एल्डिहाइड देता है। अब इन चारों में से एल्डिहाइड हमारा ए ऑप्शन है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। 10th है, ऑन द रिडक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड बाय जिंक, मरकरी एंड कंसनट्रेटेड HCl इट इज कन्वर्टेड टू एन अल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डैश। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें जिंक, मरकरी, एमलगन को कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट किया जाता है। एक वुल्फ किशन रिडक्शन होता है जिसमें हाइड्राजीन N2H4 इस्तेमाल करते हैं। दोनों का एंड प्रोडक्ट हमारा अल्केन मिलता है। तो बेटा ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। अब आता है चैप्टर 9 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, चैप्टर 9 है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसके MCQs देखते हैं। फर्स्ट है द मोस्ट कॉमन कंपाउंड फाउंड इन पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में जो सबसे जो है कॉमन कंपाउंड है वो इथाइल ब्यूटानोएट होता है, C3H7 COO फिर C2H5, दिस इज इथाइल ब्यूटानोएट। सेकेंड MCQs है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड ऑन कंडेंसेशन गिव्स। जब दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं एसिटिक एसिड का तो वो कंडेंसेशन के नतीजे में क्या बनाता है। जैसे हमने एक ये मॉलिक्यूल ले लिया एसिटिक एसिड का और एक दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया एसिटिक एसिड का, तो जब ये दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास बनेगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, एसिटिक एनहाइड्राइड। 3 है कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन। कार्बोक्सिलिक एसिड इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, एसिडिटी ऑर्डर। RCOOH ज़्यादा एसिडिक है किससे, फिनॉल से, और फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से, और अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है किससे, वाटर से, और वाटर ज़्यादा एसिडिक है किससे, हमारा इथाइन से। ये ऑर्डर याद रखिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब में से इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। बाकी जो HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिनरल्स एसिड होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक होते हैं। 4th है द रिएजेंट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस एन असाइल हैलाइड इन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज डैश। मतलब वो रिएजेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करने पर असाइल हैलाइड मीन्स RCOX नहीं बनाएगा। तो HCl जो है ना उससे हम RCOX नहीं बना सकते, बाकी PCl3, PCl5, SOCl2 इन सब से बना सकते हैं। नंबर 5 है बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से बन सकता है। कोई भी एरीन आप लेते हैं, एरीन मतलब अल्काइल बेंजीन, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, अब वो चाहे टोलुइन हो, इथाइल बेंजीन हो, कुछ भी हो, वो हमारा कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। 6 MCQs है फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड एंड अमाइड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व्ड। तो असाइल हैलाइड की फॉर्मेशन और अमाइड की जो फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो हम बनाते हैं असाइल हैलाइड को, अमाइड को, तो इससे क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, वो रिप्लेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट MCQs है 7 है फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन। तो ये इसका थोड़ा सा इशू है कि फॉर्मिक एसिड जो है ना वो पाया जाता है एंड्स स्टिंग में, मतलब जो लाल चींटियाँ होती हैं ना इनके डंक में पाया जाता है। अब यहाँ थोड़ा मसला, अब यहाँ 20, अब देखो दोनों A और B दोनों में मसला है। 20 स्ट्रिंग तो तार को कहा जाता है, स्ट्रिंग होना नहीं चाहिए था यहाँ पर, पहली बात तो स्ट्रिंग होना चाहिए था। 20 स्ट्रिंग मतलब जो शहद की मक्खियाँ वगैरह हैं उनका डंक। और वैनम ऑफ आंट्स, तो वैनम एंड्स का नहीं होता, वैनम जो है वो हमेशा स्नेक पॉइजन को, स्नेक का जो पॉइजन होता है उसको वैनम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, असल में एंड्स स्टिंग, लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन A भी करेक्ट लग सकता है, ऑप्शन B भी लग सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मसला है, क्वेश्चन 7 में। ठीक है, तो अपने तौर पे आप देख लें इसको। नेक्स्ट MCQs 8 है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज डैश। इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथाइल क्लोराइड। तो एसिटिक एसिड की हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी, चूँकि इसका इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बाकी तमाम के मुकाबले में। इथाइल क्लोराइड में तो होगी ही नहीं, लेकिन जब हम एसिटिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। 9th है द फॉर्मूला ऑफ कैप्रोइक एसिड इज डैश। कैप्रोइक एसिड क्या होता है, हेक्सानोइक एसिड। तो ये हमारा हो जाएगा C5H11 COOH, 6 कार्बन आ जाएंगे। 10th MCQ इज द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स डैश। मतलब एस्टरिक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन, ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन क्या आ रहा है, इसमें एस्टर की फॉर्मेशन होगी, और एस्टर इन चारों में से कौन है, इथाइल एसिटेट। तो ये एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स आप एसिटिक एसिड लेंगे CH3COOH, इसकी रिएक्शन करेंगे आप इथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा CH3COO C2H5 इथाइल एसिटेट और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 10, चैप्टर 9 के एमसीक्यूज हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब आते हैं चैप्टर 10 पे, बायोकेमिस्ट्री पे। ठीक है, चैप्टर 10 के एमसीक्यूज है। फर्स्ट है स्टार्च एंड सक्रोज आर एग्जांपल्स ऑफ। तो स्टार्च जो हमारे पास होता है वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और सक्रोज जो हमारे पास है वो डाइसैकेराइड होता है। ये दोनों असल में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। चूँकि स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलता है जबकि सक्रोज दो, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बनता है। 2 है अमीनो एसिड्स यूनिट बॉन्डेड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, सी ऑप्शन। 3rd है प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ए अमीनो एसिड्स। 4th है कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज ए प्रोटीन। 5th है सपोनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल विद डैश। सपोनिफिकेशन मतलब वो प्रोसेस जिससे साबुन बनाया जाता है। तो साबुन को बनाने के लिए फैट और ऑयल का रिएक्शन हम अल्कली से करते हैं। अल्कली किससे कहा जाता है? अल्कली किसी स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग बेटा अल्कली कहते हैं। जैसे आप NaOH से कर लें या फिर KOH से कर लें तो सोप की फॉर्मेशन होती है। फिर इसके रिएक्शन आप ऑयल या फैट से करा दें। नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है जिंक, बी ऑप्शन। 7th है रेंसिडिटी इन अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डैश। तो बटर की जो रेंसिडिटी होती है, मक्खन वगैरह ख़राब हो जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस होती है जिसकी वजह से ब्यूटाइलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और वो एक फाउल ऑर्डर, एक बैड स्मेल प्रोड्यूस करना शुरू करता है। 8 है लिपिड्स विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है उससे सेल मेम्ब्रेन बनता है जो एनिमल सेल में मौजूद होता है। 9th है द टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो 22 अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड जिनमें क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप वो अल्फा कार्बन से अटैच होता है, उसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। और 22 अल्फा अमीनो एसिड टोटल हैं। लास्ट एमसीक्यूज है शुगर मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज डैश। तो शुगर खुद क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कैसा है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट एमसीक्यूज में भी आया था, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट से मिलने से बनता है। ठीक है, शुगर। तो ये 10 चैप्टर 10 हो गया बायोकेमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज। अब आते हैं चैप्टर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर। ओके, दिस इज चैप्टर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट है सुपर ग्लू इज केमिकली नेम्ड है। सुपर ग्लू सैनो एक्रेलेट इसका केमिकल नेम है, याद रखिएगा, जो एल्फी वगैरह होती है। सेकंड है DDT इज अ केमिकल विच इज कमर्शियली नोन एज। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये जो हमारे पास होता है DDT, ये एक इंसेक्टिसाइड है, कीड़ा मार दवाई है, जो एक इंसेक्टिसाइड इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ पेस्टिसाइड। थर्ड है नेल पॉलिश रिमूवर इज मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है जिसको हम एज अ थिनर यूज कर रहे होते हैं। 4th है एंटी मलेरियल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज। क्लोरोक्विन जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया से बचाता है। 5th है एस्पिरिन इज अ पेन रिलीवर, इट्स केमिकल नेम इज एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड हम कहते हैं एस्पिरिन को, दर्द दूर करता है ये। तो एक तरह के हम लोग उसको एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं ना, पेन रिलीवर को एनाल्जेसिक्स। 6 है नायलॉन 6/6 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड डैश। नायलॉन 6/6 कंडेंसेशन पॉलीमर है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड का, जिसमें दोनों जो मोनोमर्स होते हैं 6-6 कार्बन वाले होते हैं। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक प्लास्टिक। सेलुलोज एक सिंथेटिक प्लास्टिक नहीं है बल्कि ये नेचुरल है, प्लांट से हासिल होता है, सिंथेटिक नहीं है। बल्कि सिंथेटिक मतलब जो होता है आर्टिफिशियल। यहाँ पूछा जा रहा है नेचुरल कौन सा है, तो नेचुरल हमारा सेलुलोज है जो हमें कॉटन से मिलता है। 8 है ड्रग्स दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल, उनको एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं हम लोग, जैसे कि आपका होता है पैरासीटामॉल। 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन परमानेंट हेयर डाइज। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं परमानेंट हेयर डाइज में। कॉस्मेटिक के टॉपिक में आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएगा। 10th है एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो इरिवर्सिबल प्लास्टिक होता है, मतलब जो एक बार अगर आप उसको जला दें तो दोबारा प्लास्टिक ना बन पाए। जो बेक लाइट हमारे पास होता है, जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो जो बेक लाइट है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 एमसीक्यूज हो गए बेटा चैप्टर 11 के। बाद है चैप्टर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर। तो ये बेटा ये चैप्टर 12 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट है द ग्रीन हाउस गैस इज डैश। इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सेकेंड है द pH ऑफ एसिड रेन इज डैश। एसिड रेन का pH जो है ना बेटा वो कितना होता है? बिलो 5 से कम होता है। थर्ड है ओजोन डिप्लेशन इन अपर एटमॉस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय डैश, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन। Fourth, the region of sphere which extends from 11 km to 50 km from our Earth is called, that's called stratosphere, B option, जहाँ ओजोन लेयर होती है. Fifth, the increase in global average temperature is primarily attributed to dash. तो increase in temperature की सबसे main वजह उसकी होती है green house gases emission. Sixth, the primary goal of green chemistry is to maximizing industrial, minimizing waste generation, reducing energy consumption, developing environmental friendly chemical. Yes, D option होगा developing environmentally friendly chemical. This is called green chemistry, जो एक branch of chemistry है. Seven है smog is a word used for the combination of smoke and fog. Eight है the catalyst used in automobile catalytic converter is a mixture of platinum and palladium. A option PT and PD. PT platinum है, PD palladium है. नाइन्थ है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे भी मैंने बताया स्ट्रेटोस्फीयर पर ओजोन लेयर होती है. टेंथ है द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ही ऑप्शन. तो ये बहुत आसान एमसीक्यूज हैं इसके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के. अब लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको देखते हैं. तो बेटे लास्ट चैप्टर है चैप्टर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके एमसीक्यूज देखते हैं. फर्स्ट है द हाई द एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस इज डैश, higher than radio wave, higher than UV rays, lower than radio waves, higher than X-rays. एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी इसकी जो है वो रेडियो वेव्स के मुकाबले में एनर्जी तो ज़्यादा होती है IR की, ठीक है. तो A ऑप्शन हो जाएगा. सेकंड है द फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम टिपिकली फाउंड इन द रेंज ऑफ डैश. तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा 1500 टू 500 सेंटीमीटर इनवर्स. थर्ड है विच वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज फॉर द वेव नंबर ऑफ IR स्पेक्ट्रम, जैसे ऊपर अभी मैंने बताया सेंटीमीटर इनवर्स, CM इनवर्स. फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अकर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इफ द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स डैश. जब UV विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है कोई मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर होती है. फिफ्थ है इन MR स्पेक्ट्रोस्कोपी द हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन ऑफ C2H5OH अपीयर्स एज अ ब्रॉड सिंगलेट अराउंड डैश. NMR जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हाइड्रोक्सिल का जो प्रोटॉन होता है C2H5OH का, वो ब्रोड सिंगलेट के तौर पे कहाँ पर मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस NMR स्पेक्ट्रम जो बना हुआ है यहाँ पर B जो है वो हमारा ये OH है. अब ये देखिए ये 4 और 5 के बीच में आपको कहीं पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये जो है वो मिल रहा है, ठीक है. तो बिटवीन 4 एंड 5 हम कह सकते हैं, तो आंसर लगा लेते हैं बिटवीन 4 to 5 पार्ट्स पर मिलियन. नेक्स्ट है 6 से एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश. एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन होती है और एक एटॉमिक जो है वो एमिशन होती है, ठीक है. अब अगर मैं इसको चेक कराऊँ तो मैं आपको एमिशन और इसमें दो स्पेक्ट्रम होता है ना, तो अब दोनों में फ़र्क होता है. जैसे देखें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ब्राइट बैकग्राउंड में डार्क लाइन्स होती हैं, जबकि एमिशन में डार्क बैकग्राउंड में वाइट लाइंस होती हैं, मतलब कलरफुल लाइंस होती हैं. तो एमिशन में जो है ना वो और एब्जॉर्प्शन में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, मतलब पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है और सामने डार्क लाइंस है, तो डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, ए ऑप्शन हो जाएगा. सेवंथ है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द टेक्निक्स टू डिटरमाइन डैश इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो फंक्शनल ग्रुप इसमें हम डिटरमाइन करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. 8th एमसीक्यूज है हाईएस्ट UV विजिबल एब्जॉर्प्शन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ डैश. सबसे ज़्यादा UV विजिबल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी किस में रिक्वायर होती है, किसकी ट्रांजिशन में. तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी जब सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी हमारे पास हाईएस्ट रिक्वायर हो रही है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में. तो यहाँ पर हम ऑप्शन लगा लेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है. 9th NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कैरिड आउट इफ रेडिएशंस इंटरेक्ट विद मॉलिक्यूल इन हाई मैग्नेटिक फील्ड डैश. NMR में हम रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, बी ऑप्शन रेडियो रेस. 10th है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक D2O कैन बी यूज एज सॉल्वेंट. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही D2O को, जो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा ये हैवी वाटर, इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज अ सॉल्वेंट, तो दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास हो गए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के. आई होप सो कि ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मंडे को आपको होने वाला है. तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर मेरा टारगेट पेपर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर मौजूद होगा, मुझसे आप व्हाट्सएप करके टारगेट पेपर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक अगेन तमाम स्टूडेंट्स को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।